चलिए जी, तो पॉलिनोमियल्स में फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स में मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लिया था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स में रिलेशन क्या होता है हमने वो भी देख लिया था। और अब जो मुझे आगे देखना है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स इसमें लिखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में और स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज is given as fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको हम बोल देते थे ax square plus bx plus c, ये बोलते थे। लेकिन अब जैसे यहाँ पर है क्यूबिक पॉलिनोमियल तो ये होगा ax cube plus bx square plus cx plus d, ये होगा। तो इसमें आप ये देखिए, जैसे क्यूब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती थी एक्स की मैक्सिमम पावर होती थी 2, यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर होगी 3। तो एक्स की मैक्सिमम पावर 3 होने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी। मतलब जो वहाँ पर 2 रूट्स आया करते थे अल्फा और बीटा, यहाँ पर 3 रूट्स आया करेंगे। हम ये लिखेंगे इसमें अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 रूट्स। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा। द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स रूट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स रूट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स रूट्स एंड कोफिशियंट्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स रूट्स एंड कोफिशियंट्स इज अल्फा। 3 रिलेशनशिप, वहां पर 2 होती थी यहां पर 3 होंगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड रिलेशनशिप, अब दो दो करके मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहला इंटू दूसरा अल्फा बीटा प्लस दूसरा इंटू तीसरा बीटा गामा प्लस तीसरा इंटू पहला गामा अल्फा इज इक्वल टू प्लस का सी अपॉन ए, ये हो गया। और थर्ड रिलेशनशिप है, पहले सिंगल सिंगल फिर दो दो का पेयर, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि सीधा 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये हो जाएगा माइनस का डी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया इसके रूट्स में और इसके कोफिशियंट्स के बीच में, ये रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे पेज नंबर 2.37 पर एग्जांपल नंबर 1 है। पेज नंबर 2.37 एग्जांपल नंबर 1,
पेज नंबर 2.37, एग्जांपल नंबर 1, वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई 3 वेरीफाई दैट 3 कॉमा माइनस 1 एंड माइनस 1 बाई 3 3 कॉमा माइनस 1 एंड एंड माइनस 1 बाई 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स माइनस थ्री एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशियंट्स अब देखिए जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 तो लिखेंगे हम गिवन पॉलिनोमियल इज गिवन पॉलिनोमियल इज px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 ये पॉलिनोमियल है. अब मुझे वेरीफाई करना है ये 3 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 3 इसके जीरोज हैं. ये चीज़ वेरीफाई करनी है. वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल दे रखा है ना इसमें x की जगह आप एक बार 3 डालोगे तो 3 डालने पर अगर रिजल्ट 0 आता है तो हम ये कहेंगे कि यस 3 इसका एक 0 है. ठीक, तो देखिएगा मैं ये कहूंगा p3, मैंने x की जगह 3 डाल दिया तो 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 ये हो गया. तो 3 3 जा 9 3 जा 27 27 3 जा कितना हो गया 81 माइनस 3 3 जा 9 5 जा 45 माइनस 45 11 3 जा 33 तो माइनस का 33 और माइनस का 3 तो माइनस 45 माइनस 33 और माइनस 3 ये तीनों के तीनों नेगेटिव टर्म्स हैं. तो जब तीनों के तीनों नेगेटिव टर्म्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम तीनों को ऐड कर देते हैं और साइन उसके आगे माइनस का लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं. तो वही काम करना है यहाँ पर. देखिएगा कि 81 माइनस 45 माइनस 30 माइनस 45 माइनस 33 और माइनस 3 जब तीनों को ऐड कर देंगे तो ये माइनस का 81 बन जाएगा. माइनस 81 प्लस 81 कैंसिल आउट हो गया, ये रिजल्ट आ गया 0. उसके बाद फिर मैं चेक करूंगा माइनस 1 के लिए तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि यस 3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल. क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में 3 वैल्यू डालने पर पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ रहा है. तो इस वजह से 3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल ये हम कह सकते हैं. जरा दूसरा भी चेक करते हैं माइनस 1. तो पी माइनस 1 ये क्या हो जाएगा, 3x³ है ना, तो 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर
माइनस इलेवन इंटू माइनस वन और माइनस थ्री, ये हो गया ठीक है। तो पी माइनस वन, पी माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन का क्यूब भी माइनस वन होता है और माइनस वन इंटू थ्री हो गया माइनस थ्री, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव, माइनस इलेवन इंटू माइनस वन प्लस का इलेवन और लास्ट में माइनस थ्री, माइनस फाइव और माइनस थ्री माइनस एट, माइनस एट और माइनस थ्री माइनस इलेवन, माइनस इलेवन प्लस इलेवन कैंसिल आउट होकर जीरो हो गया, तो इसका मतलब माइनस वन भी इसका एक जीरो है। फिर अगला देखते हैं माइनस वन बाई थ्री के लिए, तो पी माइनस वन बाई थ्री, पी और ब्रैकेट में माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री और x की जगह माइनस वन बाई थ्री डालेंगे, थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री का क्यूब माइनस फाइव इंटू माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर माइनस इलेवन इंटू माइनस वन बाई थ्री और लास्ट में माइनस थ्री, तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन बाई थ्री का क्यूब, माइनस वन का क्यूब तो होता है माइनस वन और थ्री का क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन, थ्री वन जा थ्री, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, फिर ये माइनस फाइव हो गया मल्टीप्लाइड बाई माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन और थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस इलेवन इंटू माइनस वन बाई थ्री हो गया प्लस का इलेवन बाई थ्री और माइनस थ्री, तो ये हो गया माइनस वन बाई नाइन, फाइव इंटू वन माइनस फाइव बाई नाइन प्लस इलेवन बाई थ्री माइनस थ्री। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, जब दोनों साइन सेम होते हैं तो एडिशन होता है, तो ये हो जाएगा माइनस वन और माइनस फाइव माइनस सिक्स बाई नाइन, प्लस इलेवन अपॉन थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस थ्री तो ये क्या बन गया माइनस टू बाई थ्री और ये प्लस इलेवन बाई थ्री, तो ये क्या हो जाएगा इलेवन माइनस टू, माइनस टू प्लस इलेवन क्या हो गया नाइन अपॉन थ्री, माइनस थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, तो ये हो गया थ्री माइनस थ्री विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो। हम ये कहेंगे यहाँ पर लास्ट में सिंस पी थ्री इज इक्वल टू पी माइनस वन इज इक्वल टू पी माइनस वन बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो, जब पी थ्री भी जीरो के बराबर, पी माइनस वन भी जीरो के बराबर और पी माइनस वन बाई थ्री भी जीरो के बराबर, हेंस इट इज verified that 3 comma minus 1 and minus 1 by 3 are zeros of px, 3 minus 1 or minus 1 by 3 ये px के zeros हैं। बताइए जी इतना clear हो गया सभी को, सभी को इतना clear है बताइए, आशुतोष, दिशा, दिव्यांशी, राजनंदिनी बताइए क्लियर है, क्लियर है। चलिए जी फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इन्होंने अगला क्या पूछा है, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स, मतलब फिर जीरोज और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, रिलेशनशिप ये तीन होती है तो इन तीन रिलेशनशिप्स को हमें वेरीफाई करना है। तो देखिएगा मैं ये मिटा रहा हूँ पहले तो इधर, और यहाँ से इसको करते हैं कॉन्टिन्यू। अब देखिएगा यहाँ पर हम ये कहेंगे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स, तो अब ये कहेंगे कंपेयर कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल, कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी
विद, सॉरी, कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल. गिवन पॉलिनोमियल क्या है? 3x³ प्लस, सॉरी, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 विद स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. ठीक है, इससे इसको कंपेयर करना है. तो जब कंपेयर करना है तो इसका मतलब आप ये देखिए कि ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस 5, सी इज इक्वल टू माइनस 11 और डी इज इक्वल टू माइनस 3. तो ए बी सी डी की ये वैल्यूज आ गई. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहां से हमें पता चला कि ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई माइनस 5, सी की वैल्यू माइनस 11 और डी की वैल्यू माइनस 3. ए बी सी डी इन चारों की ये वैल्यूज आ गई. ठीक है, फिर जब मुझे वेरिफिकेशन करना है तो वेरिफिकेशन जब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन रिलेशनशिप होती हैं. पहला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो पहले फर्स्ट रिलेशन देखेंगे, वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ठीक, तो ये जो तीन रूट्स हैं इसके, ये 3 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 3, इन तीन रूट्स को ही तो हम अल्फा बीटा और गामा बोलते हैं. तो इधर ही लिख देता हूं मैं, अल्फा कितना है 3, पहला रूट जो दे रखा है. ठीक है, बीटा जो दूसरा रूट था वो कितना था, माइनस 1. गामा जो तीसरा रूट है वो है माइनस का 1/3. तो अल्फा बीटा और गामा की ये वैल्यूज हो गई. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा इज 3 प्लस बीटा इज माइनस 1 प्लस गामा इज माइनस 1/3. तो 3 माइनस 1 माइनस 1/3, 3 माइनus 1 इज 2, 2 माइनस 1/3. तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 अपॉन 3, यानी कि ये आ गया 5 अपॉन 3. ये तो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड 5 अपॉन 3. फिर देखेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस और बी कितना है, माइनस 5, माइनस ऑफ माइनस 5 अपॉन ए. तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा, प्लस. तो प्लस का 5 अपॉन 3. तो लेफ्ट हैंड साइड 5 अपॉन 3, राइट हैंड साइड भी 5 अपॉन 3, दोनों वैल्यू 5 अपॉन 3 आ गई. तो हम ये कहेंगे ये तो पहला वाला जो रूल है ये तो हो गया वेरीफाई, LHS और RHS इक्वल आ गए. उसके बाद दूसरा देखते हैं, फिर दूसरा देखते हैं. दूसरा है, सेकंड है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. ये दूसरा वाला रूल है जो वेरीफाई करना है. तो LHS इसका देखेंगे, LHS इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. तो अल्फा बीटा, अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 प्लस बीटा गामा माइनस 1 इंटू माइनस 1/3, माइनस 1 इंटू माइनस 1/3 प्लस गामा अल्फा माइनस 1/3 इंटू 3, माइनस 1/3 इंटू 3, ये हो गया. अब देखिएगा यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 इंटू माइनस 1 कितना हो गया माइनस 3, माइनस 1 इंटू माइनस 1/3 क्या हो गया,
प्लस का 1/3, और यहाँ क्या बचा माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन कितना हो गया माइनस फोर, प्लस 1/3 एलसीएम लेंगे तो 3 × -4 क्या हो गया माइनस 12, प्लस 1/3 ये हो गया माइनस का 11/3, ये तो आ गया हमारे पास एलएचएस। एलएचएस के बाद देखेंगे आरएचएस, आरएचएस कितना दे रखा है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। अब सी क्या है यहां पर देखिए, सी है माइनस 11 और ए है 3, तो ये हो गया माइनस 11/3 एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो बेटा ये दूसरा वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड रिलेशन देखेंगे, समझ में आ रहा है जी सभी को, मेरी आवाज क्लियर है बताइए। यस ठीक है, बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है आशुतोष? यस सर। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो मेरे को प्रूफ करना है वो तीसरा रिलेशन है, थर्ड रिलेशन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो एलएचएस है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा क्या है अल्फा है 3 मल्टीप्लाइड बाई, बीटा क्या है माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, गामा क्या है माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, माइनस 1 × -1 क्या हो गया प्लस का 1। आरएचएस देखेंगे, आरएचएस है माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस और डी कितना है यहां पर माइनस 3, माइनस ऑफ माइनस 3 और ए कितना है 3, तो प्लस का 3/3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, तो आरएचएस आ गया 1। एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो बेटा ये वाला जो था सेकंड वाला रूल, ये भी वेरीफाई हो गया, यही मेरे को करना था इस वाले एग्जांपल में, ठीक है। सभी बच्चों को समझ में आ गया, चलें आगे, सभी को क्लियर है बताइए। यस सर। ठीक है, इसके बाद ना अगला देखते हैं, अगला जो है अगले में क्वेश्चन देखने से पहले पहले एक रूल बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये होता था कि हमें जीरोस दे रखे हैं और जीरोस की हेल्प से मुझे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता था, फॉर्म करना होता था, तो उसी तरीके से अगर मुझे जीरोस दे रखे हों और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो क्या करें, तो क्या करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख रहा हूँ इधर, हेडिंग डालिएगा हाउ How to form a cubic polynomial when zeros are given, जब zeros दे रखे होते हैं तब cubic polynomial किस तरह से बनाते हैं। तो देखिएगा, हम ये कहेंगे कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, देन the polynomial fx is given as, फिर जो polynomial fx बनता है वो किस तरह से बनता है देखिएगा,
then the polynomial fx is given as fx is equal to k into x square minus alpha plus beta plus gamma into x plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Sorry, ये x square नहीं, ये x cube है सबसे पहले, x cube, ये x square, फिर x और minus alpha beta gamma. बताइए जी, समझ में आ गया? सबसे पहले क्या करेंगे, k लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में x cube minus, फिर alpha plus beta plus gamma into x square, फिर plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x, फिर last में minus alpha beta gamma. मतलब जो प्लस माइनस साइंस हैं वो अल्टरनेट चलते हैं, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस. समझ गए? इस तरीके से ये बनाते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, वो एग्जांपल इसी तरीके का है. एग्जांपल नंबर टू, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल find a cubic polynomial with the sum, comma, sum of the products of its zeros, sum of the products of its zeros, sum of the products of its zeros taken two at a time, taken two at a time taken two at a time and product of its zeros and product of its zeros and product of its zeros as 2 minus 7 minus 14 as 2 comma minus 7 minus 14 respectively. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है, मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है. तो उसमें इन्होंने दे रखा है कि विद द सम, जिनमें जो जीरोज हैं, जीरोज का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो गिवन है टू के बराबर. तो देखिएगा, मैं लिखूंगा इसमें गिवन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सम ऑफ जीरोस, भाई एडिशन है, ये टू के बराबर है, कॉमा सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम. दो दो जीरोस को एक बार लो, तो पहले ले लो दो जीरो अल्फा इनटू बीटा, प्लस फिर ले लो दो जीरोस बीटा इनटू गामा, फिर ले लो दो जीरोस गामा इनटू अल्फा. ये जो इनका दो दो जीरोस एक साथ में लेकर और उनका जो एडिशन है वो माइनस सेवन के इक्वल है. उसके बाद दे रखा है एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब तीनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, ये माइनस 14, तो ये दे रखा है हमको. तो वो बोल रहे हैं फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब मेरे को क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, फॉर्म करना है. तो देखिएगा, हम ये कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल can be formed as fx is equal to k into x square minus alpha plus beta plus gamma, sorry, x cube minus alpha plus beta plus gamma into x square plus alpha beta plus beta gamma
plus gamma alpha into x minus alpha into beta into gamma. ये हो गया, इसको इधर करेंगे लास्ट में. तो fx is equal to k into x cube. k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. x cube minus alpha plus beta plus gamma की वैल्यू है 2, तो 2x square. फिर है प्लस का alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, ये है minus 7, तो plus minus 7 x, और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, तो माइनस ऑफ माइनस 14, माइनस ऑफ माइनस 14. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14. ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई. बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए बस बेटा एक मिनट रुकिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, बस एक मिनट वेट करें. चलिए अगला एग्जांपल देखेंगे. ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 था. फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 3. एग्जांपल नंबर 3, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल If two zeros of the polynomial, if two zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 4x square minus 3x
माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व आर रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री आर रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री कॉमा देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो देन फाइंड इट्स थर्ड जीरो इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. तो अगर दो जीरो दे रखे हैं एक्स क्यू, अगर मान लीजिए दो जीरो दे रखे हैं रूट थ्री और माइनस रूट थ्री, तो अगर मान लीजिए एक जीरो की वैल्यू है रूट थ्री, तो हम ये कहेंगे कि चलिए अल्फा की वैल्यू रूट थ्री दे दिया और बीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री दे दी. तो आप ये देखिए कि जब भी कभी हमें ऐसा दे रखा होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो आप याद रखिए जैसे ये तो क्यूबिक इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं, तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम उसके फैक्टर्स करते थे, मिड टर्म स्प्लिटिंग करते थे, तो दो वैल्यूज आती थी. तो जो दो रूट्स होती हैं वो एक्स की ही दो वैल्यूज होती हैं. तो हम ये कहेंगे कि इसके दो जीरोस ये दे रखे हैं, तो यहां बोलिएगा सिंस इट इज गिवन दैट two of its zeros are root 3 and minus root 3. Therefore, alpha is equal to root 3 and alpha को root 3 मान लो और beta को minus root 3 मान लो, तो तीसरा zero यानी कि मुझे gamma बताना है. तो हम ये कहेंगे compare the given polynomial fx is equal to x cube minus 4x square minus 3x plus 12 with fx is equal to x cube ax cube plus bx square plus cx plus d. ठीक है, इसको इससे कंपेयर करना है. तो बेटा a की वैल्यू तो हो गई 1, भाई इधर x cube का कोफिशियंट है a और इधर कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है, तो a की वैल्यू तो हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई माइनस 4. ठीक है, c की वैल्यू क्या हो गई माइनस 3 और d की वैल्यू हो गई 12. a b c d ये चार वैल्यूज आ गई. ठीक है, 1 माइनस 4 माइनस 3 और 12 ये चार वैल्यूज आ गई. अब आप ये देखिएगा कि वी नो दैट लिखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. अब अल्फा कितना है रूट थ्री और बीटा है माइनस रूट थ्री प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस और बी कितना है माइनस फोर अपॉन ए कितना है वन. माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री कट गया तो गामा की वैल्यू क्या आ गई प्लस का फोर. तो अल्फा की वैल्यू रूट थ्री, बीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री, ये तो गिवन है. और जो तीसरा जीरो वो पूछ रहे थे गामा, उसकी वैल्यू आ गई प्लस का फोर. बताइए जी, क्लियर है सबको? सभी को इतना समझ में आ गया? यस सर. ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं फिर. या एक काम करते हैं, बस आज फिर इतना ही कर लेते हैं. ठीक है, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल कराता हूं आपको. ठीक है, आज इतना ही करेंगे.
आज नंदिनी मीटिंग एंड कर दूं?